हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्लीज पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, कल आपने सुना कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में, दो मासूम बच्चों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, गला रेत के साथ। और जिसने कत्ल किया वो, उसका नाम साजिद था। और वहीं जिस घर में उसने जाके ये मर्डर को अंजाम दिया है, उसी के सामने उसकी बार्बर, बाल काटने की दुकान थी उसकी, जहाँ पे ये बच्चे जिसका उसने गला काट के मर्डर कर दिया, वो बच्चे उसके यहाँ जाके बाल बाल कटवाते थे। तो ये गया उनके यहाँ और पता नहीं उसके ऊपर क्या भूत सवार थी। तो ये गया उनके यहाँ, इसने बहाना बनाया कि हमारी बीबी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटलाइज है, उसको 11 बजे रात में तक जो है 5,000 रुपये जाके देना है, जमा करना है, तो आप दे दो, सवेरे वापस कर देंगे। तो बच्चों की जो माँ थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से बात किया, बाहर थे वो, तो उन्होंने कहा हाँ दे दो, वो दे देगा वापस। उन्होंने 5,000 रुपये दिया। फिर वो लेडी के ऊपर एक ब्यूटी पार्लर था, हालांकि ज़्यादा वो ब्यूटी पार्लर का काम करती नहीं थी, लेकिन त्यौहार वगैरह में, जैसा उसने बताया कि त्यौहार वगैरह में लोग आते थे तो ब्यूटी पार्लर का वो काम करती थी। वो ब्यूटी पार्लर देखने के बहाने ऊपर गया, उस बच्चे को बुलाया, आवाज़ दे करके दूसरे बच्चे को पानी लाने के लिए बोला, और बच्चों की माँ उसके लिए चाय बनाने लगी। और ये जो बड़ा वाला बच्चा उसके साथ ऊपर गया, उसको उसने पहले मार दिया। फिर दूसरा बच्चा गया ये पानी लेकर के गिलास में शीशे के, तो उसको भी मार दिया। इसी चक्कर में पानी का गिलास गिर भी गया, टूट भी गया। उसके बाद तीसरा बच्चा गया, उससे पता नहीं पुड़िया वगैरह कुछ मंगाया था, वो लेके गया, तो उसने देख लिया, तो देख करके उसको भी पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो भाग आया। नीचे आके अपनी माँ को, अपनी दादी को उसने बाहर निकाल लिया, बता दिया उनको सब चीज़। तो जिस तरह से यह मर्डर किया गया है, ये साजिद ने जो मर्डर किया, उसके साथ उसका भाई जावेद भी था, तो इन लोगों ने जिस तरह मर्डर किया है, और लड़कों के पिता का नाम शायद विनोद था इस तरह से, तो जिस तरह से ये मर्डर को अंजाम दिया गया, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, गंगा जमुनी तहजीब जो है ना, कचरे में गए, कूड़ा है, कूड़ेदान है। गंगा जमुनी तहजीब का कुछ मतलब ही नहीं है। जिस तरह से आजकल डिफरेंसेज है ना दोनों कौमे में, अब क्या हो गया है कि सरकार तो ऐसी आ गई है जो कि अपीजमेंट करती नहीं है, तो सबको मिर्ची तो लग रही है बहुत, कि और बड़ी सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से मोदी की, योगी की सरकार जाए। वो होने वाला नहीं है अभी तो। इस तरह से बेचारी उस दो बच्चे, बताइए दोनों लड़कों का जिस तरह उसने मार दिया है, उस माँ का क्या हाल होगा, उसके पिताजी का क्या हाल होगा, कि दादी कितनी बिलख बिलख के रो रही थी। बहुत दर्दनाक सीन है ये, बहुत ही मतलब खतरनाक। योगी जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं, मानसिक रूप से क्या बीमारी है इन लोग को, कि ये जानते हैं कि ये बचने नहीं पाएंगे तब भी ऐसा करते हैं। अब इसमें लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहा जा सकता है, जब उनके जान पहचान था घर में, घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके घर में घुस गया, उसके बाद ऐसा कह रहा है, तो कोई दुश्मनी तो ऐसी बात थी नहीं, तो पुलिस का भी क्या कर सकती है इसमें। इसमें लॉ एंड ऑर्डर, ये तो विश्वास को धोखा देने वाली चीज़ है एक्चुअली, इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। तो योगी जी को बहुत ही कड़ाई से निपटने की ज़रूरत है, जो बकता है, जो चीज़ बकने दें, लेकिन योगी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत कड़ाई करनी पड़ेगी उनको, और ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह अगर चलता रहा तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिमों में बिल्कुल बहुत खाई बढ़ती चली जाएगी, ये मतलब जल्दी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये चीज़। फ्रेंड्स, हम लोग को तो बहुत दुख है ये देख करके, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बेचारों ने क्या बिगाड़ा था किसी का, अभी तो वो बड़े हो रहे थे, अभी तो कुछ ज़िंदगी कुछ देखा ही नहीं था उन्होंने, और उनको इस तरह से मार दिया गया था। और इस समय जो ये सत्य हिंदी चैनल वाले आशुतोष गुप्ता, फलाना ढमाका,
आज सुन रहे थे, पता नहीं कर्नाटक का सर्वे का रिपोर्ट, इस पर बनाओ ना एक वीडियो। तुम लोग राहुल गांधी के चप्पल क्यों चाटते रहते हो भाई, इतने चाटकर्ता क्यों करते हो, तुमको राहुल गांधी से क्या मतलब है, इस पर बनाओ वीडियो। बड़ा तुमको जो है संविधान खतरे में नजर आता है, ये आता है वो आता है, तो अब इस पर बनाओ ना एक वीडियो जो है। फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही दुखी कर देने और हृदय विदारक दृश्य मतलब देखने को मिला है। इस तरह से बहुत ही अक्षम्य अपराध है, और इसका अगर ये रुका नहीं तो इसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये इतनी जल्दी सब चीज़ शांत होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।